मैं भारत को भारतीयता की मान्यता के आधार पर फिर से खड़ा करना चाहता हूँ, उस काम में लगा हूँ। कि आप जो तेल खाती है ना, तेल, तेल के बारे में आयुर्वेद ये कहता है कि वात के सभी रोगों को संतुलित रखने के लिए तेल, पित्त के सभी रोगों को संतुलित रखने के लिए देशी घी, और कफ के सभी रोगों को संतुलित रखने के लिए शहद, ये तीन चीजों का सेवन अति आवश्यक है। फिर से सुनिए, वात के रोगों को ठीक रखने के लिए तेल, पित्त के रोगों को ठीक रखने के लिए देशी घी, और कफ के रोगों को ठीक रखने के लिए शहद। अब शहद ना मिले तो उसकी जगह गुड़ लिख लो, गुड़। तो कफ ठीक रहे तो इसके लिए गुड़ खाओ, पित्त ठीक रहे इसके लिए देशी घी खाओ, और वात ठीक रहे इसके लिए तेल खाओ। अब तेल कौन सा खाना ये मुझे पता। हमारे घर में तेल निकालने के लिए अगर मशीन है, घर में नहीं गाँव, घर में तो शायद तेल की मशीन कोई नहीं लगाता, गांव में तो होती, क्या कहते कोलू घाणी, घाणी, यस। तो गांव में जो घाणी चलती है उस पर निकाला हुआ तेल सबसे अच्छा। ये बाजार से डिब्बे वाला तेल लाते हैं ना, ये जहर। बाजार में जो तेल मिलता है जिसको अंग्रेजी में डबल रिफाइंड तेल कहते हैं, ट्रिपल रिफाइंड तेल कहते हैं, तेल को रिफाइन करने में जो केमिकल मिलाए जाते हैं वो केमिकल जहर है। इसलिए ये डब्बे वाला तेल आप मत खाए, आप तो घाणी में तेल निकलवाना, सरसों का हो, तिल का हो, नारियल का हो, ताजा तेल निकलवा के खाना। फिर लोग कहते हैं कि वो तेल गाढ़ा होता है, तेल तो गाढ़ा ही अच्छा होता है, क्योंकि तेल जितना गाढ़ा होगा उतना उसका प्रोटीन कंटेंट ज्यादा होगा, और तेल खाया जाता है प्रोटीन के लिए, और अगर उसका गाढ़ापन निकाल दें तो प्रोटीन निकल गया, फिर तो वो पानी हो गया, तेल कहाँ रहा। और रिफाइंड और डबल रिफाइंड तेल में यही किया जाता है, गाढ़ापन खत्म कर देते हैं, पानी जैसा तेल हो जाता है। ये तेल सबसे ज्यादा खतरनाक है। आजकल सबसे ज्यादा हृदय घात हो रहे हैं, हार्ट अटैक, ये बाजार वाले तेल खाने से हो रहे हैं। इसलिए आप बाजार का तेल मत लाना, घाणी पे तेल निकलवा के उसका उपयोग कर, वो सरसों का तेल हो, तिल का तेल हो, नारियल का तेल हो, या कोई दूसरा तेल आप खाते हो, मूंगफली का तेल हो, या कोई भी तेल हो, लेकिन घाणी में निकलवाया हुआ तेल खाना। और दूसरा, माताओं को निवेदन है, डालडा कभी मत लाना। दुनिया में महासत्यानाशी कोई एक चीज है तो ये डालडा है, इसने सबसे ज्यादा बर्बादी लाई है भारत के गाँव का। थोड़ा सस्ता है लेकिन जहर पे जहर है। डालडा का मैंने परीक्षण कराया था, 23 जहर है उसमें, अकेले डालडा, ये कभी मत ला। तो आप बोलोगे घर में कोई पूड़ी पूड़ी बनानी है, तेल में भले बना लेना, डालडा में कभी मत। सरसों के तेल में पूड़ी बनाओ, बहुत अच्छी बनती है, और मेरी माताएं बात मान लें, तिल के तेल की पूड़ी तो इतनी स्वाद होती है जो किसी में नहीं बनती। एक तो नरम बहुत रहती है, और एकदम फूल के आती है तिल के तेल की पूड़ी, और सबसे ज्यादा शरीर के लिए दुरुस्त है तिल का तेल। तेल का माने ही तिल है, तिल में से ही तेल शब्द बना। तो आप तेल में पूड़ी बना लेना, तेल में कचौड़ी बना लेना, ये कि डालडा में कभी मत बना। और घर में कोई शादी ब्याह बारात हो तो उसमें भी डालडा मत ला, क्योंकि जो अपने लिए जहर है वो सबके लिए जहर है। तेल में ही बनाना, घर में भी, अगर जैसे शादी ब्याह बारात है, तिल के तेल में पूड़ी कचौड़ी बना के खिलाओ, बहुत बढ़िया, लोग वाह वाह करेंगे आपकी, इतनी स्वाद बनती है और वो स्वाद खाने में आता। तो डालडा बंद कर देना, तिल का तेल, सरसों का तेल वो। और तीसरा मैंने कहा कि कभी भी घी खाना देशी, डालडा वाला घी कभी खाना नहीं। अब देशी घी गाय का मिले तो सबसे अच्छा, नहीं तो भैंस का भी चलेगा, लेकिन देशी घी। और तीसरा और आखिरी नियम बताया, गुड़ खाना, गुड़। शहद मिले तो सबसे अच्छा, शहद खाने का तरीका है दूध में डाल दो, गुनगुने दूध में या ठंडे दूध में शहद मिला के खा सकते हो, नहीं तो पानी में मिला के पी सकते हैं, नहीं तो ऐसे ही चाट के खा सकते हैं। और शहद महंगा पड़े तो गुड़ खाना, चीनी बंद कर देना माता है। ये चीनी जो है ना, मरे हुए जानवरों के हड्डियों से साफ की जाती,
आप अगर शाकाहारी हैं और चीनी खा रहे हैं तो रोज आपके मुंह में मांस जा रहा है, क्योंकि जानवरों को काटने के लिए कतल खाने चलते हैं सारे देश में। उन कतल खानों में जानवरों को काटते हैं, 10 करोड़ जानवर कटते हैं इस देश में हर साल। उनका मांस निकलता है, बाजार में बिक जाता है, हड्डियां निकलती हैं, हड्डियों को ये चीनी मिले खरीद के और हड्डियों का पाउडर बना के चीनी को साफ करते, फिर वो चीनी आपके पास आती है। इसलिए चीनी बिल्कुल मत खाइए, गुड़ खाइए उसकी, और गुड़ ज्यादा अच्छा वो होता है जो काला काला हो और थोड़ा लाल रंग का हो। सफेद गुड़ बहुत अच्छा नहीं है, क्योंकि वो निर्मा पाउडर से धोया जाता है। तो ये छोटी छोटी कुछ बातें जो मैंने कही आपके स्वास्थ्य को दुरुस्त रखने के लिए, इनका आप उपयोग करिए।